हेलो दोस्तों, तो ये हमारा मथुरा में दूसरा दिन है और हम सुबह तैयार होकर जल्दी से उठ के यहाँ आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का सुबह का सीन देखने और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे हमें सुबह, इसीलिए हम प्रेम मंदिर आ गए सुबह सुबह। और फिर प्रेम मंदिर से हम लोग निकल के हम लोग चले गए एक बहुत ही अच्छे मंदिर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है वहाँ का। ये देखो, ये है श्री माता वैष्णो देवी धाम जो कि वृंदावन में। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन है दर्शन के लिए। देख ज़्यादा भीड़ भी और नहीं रोहित होती है लेकिन बता जगह दो बहुत और अच्छी है। रोहित आपको दूर से ही मूर्ति दिख जाएगी, बहुत बड़ी सी दुर्गा जी की मूर्ति दिख जाएगी आपको। और ये हम अंदर आ गए म्यूज़ियम के। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम गैलरी बना रखा है वैष्णो देवी धाम में। मतलब जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है इसका निर्माण, उस दिन से लेके बनने तक का पूरा फोटोग्राफ दे रखा है। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और अभी ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया था। ये हम मंदिर के अंदर आ गए थे। ये माँ वैष्णो देवी धाम का मेन मंदिर है। बहुत ही ब्यूटीफुल सजा रखा था इस मंदिर को अंदर से। ये यहाँ पे मेरा बड़ा भाई फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था। वो पोज दिए जा रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये हम लोग माँ वैष्णो देवी धाम में, वहाँ पे गुफा भी बना रखी है बड़ी सी, तो हम उसी गुफा में बस एंटर करने जा रहे हैं। उस गुफा में बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अभी देखिए अंदर। अंदर चारों बगल स्पीकर्स लगे हुए हैं जिसमें भक्ति गीत बजते रहते हैं और बाकी लोग तो रहते ही हैं जो उसमें जो जय माता दी करते हुए जाते रहते हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन जाओ तो यहाँ माँ वैष्णो देवी धाम जरूर जाओ, अच्छा लगेगा आपको और बहुत ही सुकून मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए कैसे बना रखा है यहाँ पे अंदर में, और इतना सुंदर सजा रखा है कि आप आओगे तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा यहाँ से। जन्माष्टमी की वजह से वहाँ पे भीड़ थी बट हमसे जितनी बन पड़ी हमने उतना अच्छे से वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए आपको ऐसे अच्छा लगेगा। यहाँ पे अगर आते हो आप वृंदावन तो यहाँ ज़रूर विज़िट करो। बहुत ही बड़ी सी गुफा बना रखी है और यहाँ हम गुफा से बाहर आ गए। ये गुफा का ऊपर का हिस्सा है और ये हम फिर से गुफा के अंदर जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ से नीचे से निकल के वहाँ दूसरे साइड से हम लोग गुफा से एग्ज़िट हो जाएंगे। और ये देखिए, ये मंदिर के जस्ट बगल में ही ये यमुना जी बना रखा है जिसमें से पानी भी रेगुलर आता रहता है। इस मंदिर में आपको चारों तरफ बस पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, नेगेटिव कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ आओ और अपने परिवार के साथ आके माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जाओ। जिसके पास वैष्णो देवी जाने का वक्त ना हो, ये यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकते हैं।
और ये हम यहाँ से निकल के बाहर की ओर आ गए। अब हम बस यहाँ से एग्ज़िट करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी धाम से। ये लास्ट दर्शन कर रहे हैं और ये है एग्ज़िट गेट, यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। और एग्ज़िट गेट में ऐसा सीन है कि जैसे कि रियली में वैष्णो देवी में जो प्रसाद मिलता है वैसा ही सेम प्रसाद यहाँ पे भी दिया जाता है आपको। यहाँ पे एक मिश्री का प्रसाद और एक वैष्णो देवी का सिक्का मिलेगा। और फिर हम माता वैष्णो देवी से निकल के हमने ऑटो बुक किया और हम लोग निकल गए अगले लोकेशन पे। और यहाँ ये मौसम भी बहुत ख़राब होने लग गया था, बारिश का मौसम हो गया था, तो हमने ज़्यादा फिर आगे का व्लॉग बना भी नहीं हो पाए। कुछ पिक्स क्लिक किए हैं वो आपको दिखाते हैं। और फिर हम दोस्तों यहाँ आ गए यमुना घाट पे जो वृंदावन में है। यहाँ पे हमने बोटिंग की, कुछ पिक क्लिक करवाए, बहुत ही मज़ा आया इस बोटिंग में। हमने गाना वाना बजाया बोट पे पूरा और फिर पिक भी क्लिक करवाए थे। और फिर मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिश पोज में फ़ोटोज़ खिंचवाने लग गया था अपने रील्स में अपलोड करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा मथुरा का दूसरा दिन भी समाप्त हुआ और मिलते हैं अब आपको मथुरा के तीसरे दिन के व्लॉग में। राधे राधे।